अगली खबर इंदौर से आ रही है, जहां एक अनोखा मामला सामने आया है। धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपी ने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया और ऐसे कारण बताए कि पुलिस भी हैरान रह गई। भंवरकुआं पुलिस करीब एक साल से उसकी तलाश में थी, लेकिन वह चकमा दे रहा था। उस पर पुलिस ने 2000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। बाद में पुलिस को पता चला कि पत्नी से रोजाना विवाद होने और उसकी प्रताड़ना से परेशान होकर वह थाने पहुंचा था। हालांकि मामले में अन्य कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। दरअसल भंवरकुआं पुलिस ने पिछले साल सितंबर महीने में सास्की गुटकेश्वर महादेव की जमीन बेचने के मामले में भू माफियाओं सहित करीब एक दर्जन लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था, जिसमें कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं अभी भी कुछ आरोपी फरार हैं। एक आरोपी दिनेश मेहता की भंवरकुआं पुलिस को काफी लंबे समय से तलाश थी। प्रकरण दर्ज होने के बाद से वह फरार चल रहा था। इस बीच दो महीने पहले सितंबर महीने में आरोपी दिनेश अचानक एरोड्रम थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। एरोड्रम थाना पुलिस ने इसकी जानकारी भंवरकुआं पुलिस को दी। इस पर भंवरकुआं पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी दिनेश मेहता को थाने ले आई। पकड़ाने के बाद पुलिस ने सरेंडर की वजह पूछी। मेहता ने पुलिस को बताया कि वह शराब पीने का आदी था और इस बात को लेकर आए दिन उसका पत्नी से विवाद होता था, इसलिए गुस्से में आकर वह एरोड्रम थाने पहुंच गया। भंवरकुआं थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने बताया कि नवंबर 2021 में एक मामला सामने आया था, जिसमें जिला प्रशासन के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। गुटकेश्वर महादेव मंदिर एकता नगर क्षेत्र की जो मंदिर की जमीन थी, उसे भू माफियाओं के द्वारा कुछ प्राइवेट व्यक्तियों को बेचा गया है। उस पर से धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। एक आरोपी दिनेश मेहता लंबे समय से फरार था। उस पर इनाम भी घोषित हो गया था, उसने सरेंडर कर दिया है। फिलहाल वह जेल में है। भू माफियाओं ने सास्की मंदिर की जमीन पर कब्जा कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे बेच दिया था। जिला प्रशासन की टीम ने पूर्व में कार्यवाही कर अवैध निर्माण तोड़े थे। मंदिर की जमीन पर लगभग 7 निर्माण किए गए थे, जिस पर एक हॉस्टल पर कार्यवाही की गई थी। बाकी घरों को अल्टीमेटम दे दिया गया था। मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 5 करोड़ रुपए है। पूरे मामले में अभी भी 3 आरोपी महेश कुमावत, अनीता गोयल और आलोक राठौर फरार हैं। भंवरकुआं पुलिस ने पटवारी की शिकायत पर मिथुन सोलंकी, दिनेश मेहता, अरविंद संजू कोठे, मूलचंद वर्मा और आदि के खिलाफ धारा 406, 420, 467, 468, 471, 120B के तहत केस दर्ज किया था। नवंबर 2021 में एक मामला सामने आया था, जिसमें जिला प्रशासन इंदौर के द्वारा थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी कि गुटकेश्वर महादेव मंदिर एकता नगर क्षेत्र की जो एक जमीन है, जो कि मंदिर की जमीन थी, उसको कुछ प्राइवेट व्यक्तियों के हाथों में कुछ लोगों ने भूमाफिया के द्वारा बेचा गया है। उस पर से धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था थाने पर, और उन आरोपियों में से एक आरोपी जो दिनेश मेहता था, वह लंबे समय से फरार था। उसके ऊपर इनाम भी घोषित हो गया था, और लेकिन बाद में किसी वक्त उसकी पारिवारिक परेशानी और उसकी पत्नी से हुए विवाद के चलते आवेश में आकर उसने स्वतः थाने पर उपस्थित होना उचित समझा और उसने अपने नज़दीकी थाना क्षेत्र में जाकर के ये बात बताई थी कि मैं भंवरकुआं थाने से फरार हूँ, और इस पर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की थी। और अभी फिलहाल आरोपी दिनेश मेहता जेल में है।